फिलहाल यहाँ से संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत सी जानकारी यहाँ पर हमें अर्पित ने दी है कि किस तरह से अनशन यहाँ पर किया जा रहा है और आमरण अनशन तक की स्थिति यहाँ पर है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। सीधे तौर पर कहना है कि जब हमारी जरूरत थी तब हमें इस्तेमाल किया गया और अब बिल्कुल कोने में यहाँ कर दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अर्पित आपका। लेकिन बढ़ते आगे ग्वालियर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जेल प्रहरी परीक्षा दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। माधव कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि रोल नंबर अटेस्टेड होने के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं परीक्षा नियंत्रक की दलील थी कि उनके पास आईडी प्रूफ बदला हुआ था। आईडी प्रूफ की वजह से ग्वालियर में करीब 5000 छात्रों को परीक्षा सेंटर के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। दरअसल ग्वालियर के 42 परीक्षा केंद्रों पर 18,000 से ज्यादा परीक्षार्थी थे, लेकिन उन छात्रों को परीक्षा नहीं देने दिया गया जिनके पास एडमिट कार्ड पर लगाए गए आईडी प्रूफ नहीं थे। ये छात्र दूसरा आईडी प्रूफ लेकर परीक्षा देने आए थे, लेकिन हंगामा इस दौरान जरूर देखने को मिला। नहीं, जो लड़के वैलिड लेके आए हैं, जो व्यापम के कोऑर्डिनेटर के सेक्शन हमारे पास, जो आईडी उन्होंने उसमें नंबर डाला उसी से अलाउ करना है। ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो अटेस्ट होना चाहिए। जिनके ओरिजिनल थे उनको हमने उसमें अलाउ किया। 10-20 लड़के आते हैं जो आईडी दूसरा लेके आए, तो हमारी व्यवस्था उसको अलाउ नहीं कर सकते व्यापम के नियम है। एग्जाम था हमारे, असिस्टेंट नहीं थे उसके फोटो पे, और इन्होंने कहा था कि आप करवा के लाइए, 11 बजे तक आपको हमें अलाउ कर लेंगे। बल्कि हम यहाँ 10:15 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और ये लोग हमको अंदर नहीं घुसने दे रहे। आज हमारा एग्जाम है, हमारी फ्यूचर का सवाल है। एग्जाम था 10 बजे से लेके 1:15 तक टाइम था। कितने लोग हैं ऐसे जो एग्जाम नहीं दे पाए आज? करीबन 100-125 हम लोग हैं यहाँ पे। और ग्वालियर में नाराज छात्रों का हंगामा इस वक्त आपके सामने है। करीब 5000 छात्र अपनी परीक्षा नहीं दे पाए, जिसे लेकर नाराजगी इनमें थी। आईडी प्रूफ मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से सेंटर के अंदर इन्हें नहीं जाने दिया गया। जेल प्रहरी परीक्षा के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। करीब 5000 छात्र इससे प्रभावित हुए, जिसकी वजह से गुस्सा इन छात्रों को लेकर इनके मन में था कि आखिर क्यों इन्हें इनका भविष्य जो है वो यहां दांव पर लगाया जा रहा है, और परीक्षा की तैयारी जो उन्होंने की हुई है वो इन्हें यहां देने क्यों नहीं दी जा रही। तो जेल प्रहरी परीक्षा के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। आईडी प्रूफ बताया जा रहा कि मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से परीक्षा में अंदर एंट्री करने के लिए इन्हें सीधे तौर पर रोक दिया गया। माधव कॉलेज जो इनका यहां पर सेंटर था, ये ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर नाराज छात्र जो है वो हंगामा करने पर उतर आए, क्योंकि आईडी प्रूफ मैच नहीं होने की वजह से उन्हें सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से माधव कॉलेज के बाहर पहुंचे इन छात्रों ने वहां जमकर हंगामा किया। और खबर ये भी थी कि पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा ताकि पूरा मामला जो है वो शांत रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना इस दौरान, क्योंकि बहुत से छात्र अंदर परीक्षा दे भी रहे थे जिनका आईडी प्रूफ मैच कर गया था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं।